तो दोस्तों ये स्पीकर आपको जाना पहचाना और देखा हुआ लग रहा हो क्योंकि इसका मैं वीडियो पिछले में बना चुका हूं और ये जो स्पीकर है अच्छा खासा और हेवी स्पीकर है और इसके बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहले कुछ मैं अपग्रेड किया हूं और देख सकते हैं कलर भी कर चुका हूं इस ब्लूटूथ स्पीकर पे, कुछ अपग्रेड भी किया हूं स्पीकर, जैसे कि इसके अंदर सर्किट जो है उसको भी अपग्रेड कर चुका हूं, प्लस की ब्लूटूथ भी अपग्रेड किया हुआ हूं इसके। अच्छा, इसके बारे में जानते हैं क्या क्या अपग्रेड किए हैं। जैसे कि हम मैंने अपग्रेड किया हूं सर्किट को, अपग्रेड किया हूं प्लस की ब्लूटूथ मॉड्यूल को, अपग्रेड किया हूं और स्पीकर अपग्रेड किया हूं। पहले स्पीकर का अभी का स्पीकर में कुछ फर्क में देखने को मिले, हालांकि मैं सॉन्ग सुनाने के बाद आप बताइएगा कि ये अपग्रेड अच्छा खासा आपको देखने को मिला है या नहीं मिला, ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए तो सर्किट को इंस्टॉल करने से पहले उसके बेसिक डिटेल के बारे में जानते हैं, जैसे कि मॉडल के बारे में और कनेक्टिविटी के बारे में, जो वायर कनेक्ट कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसका फ्रंट लुक देखते हैं दोस्तों, सर्किट का जो फ्रंट लुक है उसके बारे में देखते हैं, उसको देखते हैं दोस्तों। तो आप देखिएगा, सबसे पहले आपको मॉडल नंबर देखने को मिलेगा, जैसे कि मॉडल नंबर आपको सर्किट पे ही लिखा गया है। अगर मॉडल नंबर की बात करें तो गोल्ड P176 लिखा गया। उसके बाद अगर देखें तो वायर को कनेक्ट कहाँ से करना है वो उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो वायर आपको पावर देखने के लिए, जहां से पावर देना है वहां पे चार वायर कनेक्टिविटी मिलेगा आपको दोस्तों। तो वायर को अगर देखें तो दो, अगर 12 वोल्ट का बैटरी है आपके पास सप्लाई बैटरी, तो उसमें दो बैटरी आप इनबिल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बैटरी से भी काम चला सकते हैं, कोई इशू होने वाला नहीं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें 5 वोल्ट का भी सप्लाई दिया गया है, तो 5 वोल्ट के लिए आपको रेगुलेटर लगाना पड़ता है अलग से। तो इसमें एक साथ इनबिल्ड किया गया है, रेगुलेटर भी इनबिल्ड किया गया, इंस्टॉलेशन किया गया। तो बगल में आपको इनपुट का कनेक्शन मिलेगा, जैसे कि आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट पे। उसके बाद दो कनेक्टिविटी और मिलेगा जिससे हम वायर को, ये स्पीकर वायर को कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको आउटपुट अच्छा खासा मिलने वाला है, हालांकि आउटपुट आप सुन के उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कैसा कनेक्टिविटी, कैसा आउटपुट आपको देखने को मिला। उसके बाद आप देखिएगा तो क्वालिटी जो इस सर्किट का है वो अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। अगर देखें तो हीटसिंक भी दिया गया है, हीटसिंक देने के साथ साथ कैपेसिटर भी अच्छा खासा लगाया गया है, उससे पता चलता है कि ये हेवी सर्किट है।
तो इसका आउटपुट अच्छा खासा मिलने वाला है दोस्तों। तो सो दोस्तों चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं, इसके सारे कनेक्शन को कनेक्शन करने के बाद इसके आउटपुट के बारे में जानते हैं और सुनते हैं स्पीकर के बारे में। चलिए दोस्तों हम स्पीकर को बजाते हैं, इसका क्वालिटी दिखाते हैं और जो स्पीकर है उस स्पीकर का क्वालिटी देखते हैं उसके बाद साउंड का क्वालिटी आपको दिखाते हैं। हमारे पास मोबाइल है, इसको कनेक्ट कर चुके हैं, ब्लूटूथ से मैं कनेक्ट कर चुका हूं मोबाइल को। अब हम इसको साउंड को प्ले करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम कनेक्ट हो चुका है, अब हम इसमें साउंड को प्ले करते हैं।